डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग के वार्ड 12 में राज्य स्तरीय भीम मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर दुर्ग के वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के भाजपा पार्षद अजीत वैद के नेतृत्व में राज्य स्तरीय भीम मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर से आए बाबा साहेब के अनुयायियों ने केक काटकर बाबा साहेब की जयंती खुशियां मनाई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोगों के बीच आए अतिथियों द्वारा बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। जरूरत है आप सभी को अपने आप की और अंदर की शक्तियों को जगाने की। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पास थी। इस दौरान कार्यक्रम में समाज के बीच पहुंचे दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में बाबा साहेब के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बयान किया। समाज के लोगों द्वारा उनका हौसला अफजाई भी किया। इस दौरान इस बीच कव्वाली का आयोजन भी किया गया। इस संबंध में विधायक ललित चंद्राकर और पार्षद अजीत वैद ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता है दीपक साहू जी, दीपक ताराचंद साहू जी। मैं भी अभी 3 महीना पहले दुर्ग ग्रामीण का चुनाव लड़ा, वहाँ भी यही बात आ रहा था। समाज, कोई भी समाज चेहरे और प्रत्याशी को देखते हैं और साथ में उस पार्टी के जो चुनाव मैनिफेस्टो हैं उसको देखते हैं और चुनाव के जो मैनिफेस्टो हैं उसको देख के और प्रत्याशी को देख के लोग अपना मत देते हैं। और चुनाव के पहले सब यही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, लेकिन 5 साल में कांग्रेस के घोटाले करने और घोटालेबाजों से तंग आकर और उनके लगातार छोटे छोटे, आप अगर कोई संस्था में जाएंगे, कोई आप सरकारी संस्था में जाएंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे कामों के लिए हजारों लाखों रुपया देना पड़ता है उसके रूप में। आम जनता त्रस्त हो गई थी, किसान त्रस्त हो गए थे, पढ़ने वाले बच्चे त्रस्त हो गए थे। आज उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 54 सीट लेके आई और विष्णुदेव जी की सरकार के नेतृत्व डबल इंजन की सरकार का, जिसका हम लोग देखें कि मात्र 2.5 से 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र के जो बड़े जितने भी हमारे जो संकल्प थे उसको पूरा किए, चाहे वो 2 साल का बोनस हो, 21 क्विंटल धान हो, 31 रुपये का पैसा एक साथ देने का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। जैसे हमारी सरकार बनी सबसे प्रथम हम लोग साइन किए 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास, और उसके बाद सबसे बड़ा योजना महतारी बंधन। हम लोग कहे थे कि हर महतारी को 1-1 हजार रुपया महीना मिलेगा, आज 2 किस्त मिल चुका है और ये लगातार सतत चलने वाला एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, आप सभी जानते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, और छत्तीसगढ़ की जनता पूरा 11 में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। तो बाबा भीमराव जयंती के इस पखवाड़े में मनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। हम सभी जानते हैं कि कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। उनकी आत्मा होती है संविधान, और भारत देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के बनाने वाले हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, उनकी सोच व्यापक थी और संविधान को भारत के विकास में, भारत की गति में संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और बिना संविधान के ना कोई देश चल सकता है, ना कोई समाज चल सकता है। आज भारत अगर इतना आगे आज आ चुका है, यह विकास की नई गाथा लिख रहा है, उसमें संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग देख रहे हैं लगातार हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आज भारत की संविधान को एक नई ऊंचाई, एक नई रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और आज पूरा विश्व भारत की संविधान को मान रहा है। और भारत की संविधान सबके हितों को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान बना, और जिसके कारण आज भारत में एक बराबर, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, और सब में बराबर की एक बात को लेकर संविधान का निर्माण हुआ है। और जिसके कारण आज देश में एक व्यापक भारत, एक विकसित भारत, एक विकसित समाज आज हमको देखने को मिल रहा है। घोटाले की बात कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कांग्रेस के एक एक बड़े नेता आज जमानत में घूम रहे हैं, और घोटाले की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता।
और लोग जब चाहे जिस समय चाहे वो लोग जांच करा ले, जहां जहां उनके राज्यों में अगर सरकार है वहां जांच करा ले, पता चल जाएगा। आज अगर कोई जेल के अंदर है तो संविधान के तहत अंदर है वो, और यही हम बाबा भीमराव की आज जयंती मना रहे हैं और संविधान को मानते हुए हम लोग मना रहे हैं। और भारत में आज देखेंगे कि आपको विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं केवल अपने घोटालों को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए आज केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपस में वो लोग आज जितने भी घोटालेबाज हैं एक होकर लड़ रहे हैं। वो कितने भी एक हो जाएं, भारत की जनता और भारत की जो संविधान है, भारत के संविधान को जो ना मानने वाले और भारत को जो तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भारत न कभी माफ करेगा, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भोपाल निश्चित होगा, आप चुनाव की जब गिनती शुरू होगी तब आप देखेंगे। कल 14 अप्रैल पूरे शहर ने, पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने, क्या पूरे विश्व ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव मनाया और बड़े हर्षोल्लास से मनाया। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को देना चाहूंगा, और आपके माध्यम से अपने देशवासियों को यह अपील करूंगा कि आप उन कारणों भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो बनाया गया संविधान, संविधान का पालन करें, परस्पर हर कानून का पालन करें, किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन ना करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों के अनुसार हमको खुद को बदलना है, और बदलेंगे कैसे, सिर्फ और सिर्फ खुद की शक्तियों को जानेंगे, पहचानेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको ये मूल मंत्र दिया हुआ है, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, इस मूल मंत्र को आपको अपने अंदर लाना है, और अपना खुद का विकास करें, अपने देश का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, और महिलाओं अपने समाज का विकास करें। जय भीम, जय हिंद। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। आज मेरे वार्ड में यह वर्षगांठ के दौरान आज हमने रंगारंग कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया है, और यहाँ पर लगभग लगभग मेरे समाज के तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं इन सभी की ओर से हमारे लोग पूरे देशवासियों को भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।